हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम अपने पहले वर्ड के साथ शुरू करते हैं। आपका पहला इडियम आज का क्या है? बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब क्या होता है? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, वही वापस आना जहाँ से आपने शुरू किया था। इसे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द लोकल अथॉरिटीज हैड रिपेयर्ड द रोड्स अ फ्यू मंथ्स अगो बट हैवी रेन्स डैमेज देम अगेन सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रोड है जिसे कि जो पहले डैमेज था और उसे रिपेयर किया गया, लेकिन भारी वर्षा के कारण वो फिर से डैमेज हो गया। मतलब अगर वो पहले डैमेज था और वापस वो फिर से डैमेज हो गया तो क्या हुआ, जहां से वो रोड डैमेज रोड को बनाया गया था फिर से वो वही उसी हाल में पहुंच गया है। तो उसके लिए हम जो idiom का यूज करते हैं वो क्या होता है? बैक टू स्क्वायर वन। फिर देखिए हमारा अगला वर्ड क्या है? टू थ्रो अ फिट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। योर फादर विल थ्रो अ फिट व्हेन ही हियर्स व्हाट यू हैव डन। अगर तुम्हारे पिता को पता चलेगा जो कुछ भी तुमने किया है तो वो काफी ज्यादा क्रोधित होंगे। इस सेंस में हम इस वर्ड का, इस idiom का यूज करते हैं। फिर देखिए आज का थर्ड idiom क्या है? द बीज नीज। इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफी ज्यादा अनोखा या फिर असाधारण, अद्वितीय। तो इस सेंस में हम इस idiom का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। डू यू लाइक माई शूज? आई थिंक दे आर द बीज नीज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो पूछ रहा है किसी से कि क्या तुम्हें मेरे जूते अच्छे लगे, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अनोखा है, असाधारण है, अद्वितीय है। इस सेंस में हम इस idiom का यूज करते हैं। आज का चौथा वर्ड क्या है? होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या होता है? टू बी वैलिड, सही या फिर महत्वपूर्ण होना। अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, कोई चीज किसी को बता रहे हैं, तो अगर वो सही है या फिर महत्वपूर्ण है तो उस सेंस में हम जो यूज करते हैं idiom वो होता है होल्ड वाटर। द पुलिस फाउंड दैट द सस्पेक्ट अलीवी डिड नॉट होल्ड वाटर। आपका अलीवी क्या होता है? अलीवी का मतलब होता है बहाना। तो पुलिस ने पाया कि जो आपका दोषी है वो जो बहाना दे रहा है या फिर जो जानकारी पुलिस को दे रहा है वो सही नहीं है या फिर वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस सेंस में हम होल्ड वाटर का यूज करते हैं। आज का आखिरी वर्ड क्या है? ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? रिवील क्लियरली या फिर प्रकट करना। अगर कोई चीज है जिसे कि हम आपकी कोई वीक पॉइंट है या फिर कोई वीकनेस है, आपने कोई गलती की है, तो वो किसी और के सामने कोई और प्रकट कर रहा है, तो उसके सामने उसके लिए हम जो idiom का यूज करते हैं वो क्या होता है? ब्रिंग टू लाइट। इसके इसे हमें एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ही विल ब्रिंग टू लाइट ऑल द बिग पॉइंट्स ऑफ योर्स टू योर मदर। ये आपको सेंटेंस के थ्रू और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज ये आपके ये पांच idiom थे जो कि आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। सारे idiom जो कि हैं SSC CGL 2019 में पूछे गए हैं। अभी मैं आप लोगों को वही सबसे पहले कवर करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के शेयर से, और मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाकर एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां पे आपको काफी सारे आपके काम के वीडियोस मिल चुके हैं, CPO की नोटिफिकेशन भी आप लोगों की आ चुकी है। तो आप अपनी तैयारी अभी से ही, आज से ही शुरू कर दें। अपने इस चैनल पे जाकर आप सारी तैयारी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।